भाई सीरियसली अभी सुबह के 3 बज रहे, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो ग्रैंड मास्टर के एपिसोड 1 में। अभी आप लोग मेरा स्कोर देख सकते हो, 3700 प्लस हो गया। एंड एपिसोड 2 में हम लोग एक रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करने वाले हैं, वो है स्ट्रीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोनों में हम लोग हाईएस्ट स्ट्रीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ट्राई करने वाले हैं एंड रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपनी यूके आर्मी को सोलो विंस के रीजन में। एंड वीडियो में मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि अभी हमारा अकाउंट रीजन पर टॉप 12 पर है, बट क्यों मैंने रीजन वाले अकाउंट का नाम चेंज कर दिया एंड क्यों अभी मैं रीजन के ग्रैंड मास्टर वाले अकाउंट से अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं बरमोड़ा में। एंड वीडियो को स्किप करके सीधा लेकर के जाते हैं एंड फाइट में। तो इन सभी डाउट्स के साथ मैच को करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है। ऑल राइट गाइस, तो ये था आज का हमारा पहला मैच जिसके अंदर जस्ट मेरे 5 किल थे एंड अभी 6 अलाइव थे। एंड इस गेम में मैं यूज कर रहा था M60 एंड M1014। एंड दोनों ही वेपन में अगर आप लोग लेवल 3 का चिप यूज करते हो ना, तो भाई उसके बाद जो इनका डैमेज और रेट ऑफ फायर इंक्रीज होता है ना, वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। लेकिन मैं सोच रहा था यार, जब हम लोग सोलो ग्रैंड मास्टर सीरीज को स्टार्ट कर ही दिए, तो क्यों ना भाई अपनी यूके आर्मी को रिप्रेजेंट किया जाए सोलो विंस के लीडर बोर्ड में। एंड यार तुम लोग को पता है भाई, सोलो विंस के लीडर बोर्ड में अगर अपनी आर्मी को रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमको गेम को काफी ज्यादा होल्ड करके खेलना पड़ेगा। एंड कांग्रेचुलेशन यूके आर्मी, क्योंकि तुम्हारा भाई अभी AWM की वेपन ग्लोरी में भी तुम लोग को रिप्रेजेंट करने वाला है। अभी तुम्हारा भाई टॉप 3700 की लिस्ट में एंट्री ले लिया है एंड शायद तुम लोग को नेक्स्ट मंडे AWM की इंडिया की वेपन ग्लोरी का टाइटल भी देखने को मिले। एंड अभी अगर सिचुएशन की बात करें तो जोन श्रिंक होने वाला है 15 सेकंड में एंड तुम्हारे भाई ने गेम को होल्ड किया एल शेप में, सेफ जोन श्रिंक होने वाला। एंड मैं भी अभी सेफ जोन के आउटसाइड हूँ, लेकिन मैं सेफ जोन को कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे आगे भी एनमी है एंड मेरे पीछे वाले एल शेप में भी एनमी है। एंड पीछे वाला जो एल शेप वाला एनमी है ना, उसने मेरे को सडनली भाई 100 प्लस का डैमेज दे दिया है। तो वक्त रहते अपने जज्बातों को काबू में करके मैं वॉल लगा के अपनी हेल्थ को कर लेता हूँ फुल। एंड सेफ जोन श्रिंक हो रहा था तो एनमी को सेफ जोन आना ही था। एंड मैंने पहले ही बोला था भाई, M63 चिप का जो डैमेज और रेट ऑफ फायर है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। एंड यहाँ पर सेफ जोन के आउटसाइड और इनसाइड दोनों ही एनमी को तुम्हारे भाई ने इतना इजिली किल कर लिया ना, मतलब सडनली भाई 4 सेकंड में दोनों ही एनमी को इतना जल्दी वाइप कर लिया, उनको खुद नहीं पता चला। एंड अभी सेफ जोन श्रिंक होने लग गया एंड मैं अभी सेफ जोन के आउटसाइड हूं, तो मेरे को यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सेफ जोन को कवर करने में, क्योंकि यार आप लोग को पता है भाई, लास्ट का सेफ जोन ना 30-40 का डैमेज देता है एंड सडनली अगर आपको कोई एनमी फायर दे देना, तो उसके बाद आपका निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड अभी तुम लोग देख सकते हो भाई, सिचुएशन तो बहुत ज्यादा पैनिकफुल हो गई है क्योंकि मेरे पास सेफ जोन नहीं है एंड सेफ जोन श्रिंक हो रहा है। एंड जैसे तैसे मैं थोड़ा सा रूटेट करके सेफ जोन के अंदर तो आ गया हूं एंड अभी टॉप 3 की सिचुएशन है, मतलब 3 प्लस टोटली अलाइव है। एंड भाई टॉप 3 वाली सिचुएशन में ना मेरा एम रहता है कि मैं फाइट को अवॉइड करूं एंड जो 1v1 की फाइट हो ना एनमी की, तो मैं वहां पर थर्ड पार्टी करने का ट्राई करूं। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ऑलरेडी मैंने 116 का डैमेज प्लेयर को नेट से कर दिया था। तो मैं M1014 लेके रश कर देता हूं एंड एक प्यारा सा हेडशॉट मार सिचुएशन कर देता हूं 1v1 की। एडजस्ट मेरे 8 किल कंप्लीट हो गए हैं, 1v1 की सिचुएशन है। तुम्हारे भाई के पास वेपन अभी भी M1014 और M60 है एंड मेरे पास एडवांटेज ये है कि अभी मेरा दिमित्री मैंने चालू नहीं किया, लेकिन अपोनेंट वाले एनमी ने ऑलरेडी अपने दिमित्री को कर लिया यहाँ पर चालू। भाई M1014 का फर्स्ट शॉट तो मैंने कनेक्ट कर दिया, लेकिन सामने वाले बंदे को पता चल गया कि मेरे पास M1014 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट करने लग गया। क्योंकि आप लोग को पता है भाई, M1014 से अगर बचना है तो डिस्टेंस क्रिएट करो, जितना ज्यादा शॉट में तुम M1014 के आओगे ना, तुमको डैमेज उतना ज्यादा पड़ेगा। अब भाई मैंने अपने 3 चिप M1014 की 3 बुलेट्स को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर एनमी अभी तक डाउन नहीं हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी M10 आ जाती है रिलोड पर, M10 को रिलोड करके मैं लेफ्ट की जगह राइट से एनमी के ऊपर रश करता हूँ एंड बहुत इजीली मैच को कर लेता हूँ विन। तो आज का पहला मैच कर लेते हम लोग बो। या आप लोग भी एक बार यही स्ट्रेटेजी को ट्राई करना, आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर आपका थंबनेल लेफ्ट की तरफ रूटेड करता है एंड आप लोग ऐसे सिचुएशन में अगर राइट की तरफ से रश करते हो ना, तो एनमी उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। फर्स्ट गेम हम लोग कर लेते हैं वो, या सेकंड मैच स्टार्ट करता हूँ परगेट्री में। जस्ट यहाँ पर मेरे 3 किल्स थे एंड 3 एनमी टोटली अलाइव थे एंड मैं यूज कर रहा था लेवल 1 का M1014 एंड लॉन्ग रेंज के लिए वुडपेकर। लेकिन भाई लोग, इस गेम में मेरे पास एक डिसएडवांटेज था कि भाई अपोनेंट वाले एनमी लोगों ने किया था टीम अप एंड वो ट्राई कर रहे थे मेरे से भी टीम अप करने का, लेकिन यहाँ पर हम लोग टीम अप नहीं करने वाले क्योंकि भाई OP41 के अपडेट के बाद टीम अप करने से भाई 12 का हॉर्नर स्कोर माइनस हो जाता है एंड साथ ही तुम लोग को पता है भाई, सोलो में टीम अप करना
इतना फेयर नहीं है। भाई तुम्हारा भाई जय श्री राम बोल के कर देता है रश। एंड यहाँ पर मैं पहला नेट करता हूँ कुक, एंड पहले नेट से डैमेज आता है 112 का लड़की को, एंड दूसरा ग्रेनेड कुक करके फेंकने पे भी 150 का डैमेज आता है, एंड जस्ट मेरे क्वाड्रा किल कम्प्लीट हो जाते हैं। टॉप 3 का सिचुएशन था। तीसरे ग्रेनेड पे भी एनमी को 85 का डैमेज आता है, एंड 85 के डैमेज पे तुम्हारा भाई एक और ग्रेनेड फेंकता है, फिर 55 का डैमेज आता है। तो यहाँ पर एक ग्रेनेड फेंक के मैं कर देता हूँ रश। एनमी अभी 100+ का डैमेज था, मेरे पास एक फ्लैशबैंग था तो मैं फ्लैशबैंग भी फेंक देता हूँ, एंड फिर से मैं सेम स्ट्रेटेजी को यूज कर लेफ्ट की जगह राइट से रश करके M1014 का फुल स्पैम मारता हूँ, एंड सडनली एनमी का सोनिया ओपन हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एंड भाई सोनिया एक्टिवेट होते ही ना एनमी कर देता है थर्ड पार्टी एंड मेरा किल कर देता है यहाँ पर चोरी। लेकिन कोई बात नहीं, जस्ट मेरे 4 किल कंप्लीट हो गए, 1v1 का फाइट है, एंड यहाँ पर तुम्हारा भाई फिर से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ अपनी हेल्थ को फुल, एंड तुम लोग को पता है भाई नायरा कैरेक्टर को यूज करने से अपनी वॉल से भी हेल्थ मिलती है। इस कैरेक्टर का एडवांटेज लेके मैं अपनी हेल्थ को तो फुल कर लेता हूँ, लेकिन सेफ जोन भी श्रिंक होने वाला था, एंड मेरी वेस्ट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज थी। वेस्ट रिपेयर किट को यूज करके एंड एक और मेडिकिट को यूज करके मैं सेफ जोन कवर ही कर रहा होता हूँ कि भाई एनमी सडनली मेरे को फिर से 100+ का डैमेज दे देता है। अभी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था यार, क्योंकि एनमी ने रश भी कर दिया था एंड मेरा हेल्थ 123 का था, एंड उस सिचुएशन में मेरे पास जितनी भी लैंडमाइन थी मैं सब फिट कर देता हूँ, एंड एनमी के पास वो लैंडमाइन फूटती भी है लेकिन एनमी को एक भी डैमेज नहीं लगता है। एंड भाई ये एनमी इतना ज्यादा हराम खोर था ना भाई, मेरे को डैमेज करके बस रश करे जा रहा था, एंड मैंने इसके ऊपर पूरा M1014 स्पैम कर दिया, एंड फिर से मेरा M10 बहुत ज्यादा रिलोड पे आ गया था। लेकिन मेरे पास बॉनफायर था तो सबसे पहले मैं बॉनफायर का यूज करता हूँ, एंड एनमी की बॉडी और हेडशॉट से 2 बुलेट कनेक्ट करता हूँ M1014 की, एंड एनमी का सोनिया एक्टिवेट होता है। सोनिया एक्टिवेट होते ही वो ट्राई करता है हॉरिजॉन से हील करने का, लेकिन वो सेफ जोन के आउटसाइड था तो वो हील नहीं होता है, एंड मेरे जस्ट 5 किल के साथ मैच को मैं बोया कर लेता हूँ। मेरी 2 की स्ट्रीक बन गई थी एंड मेरे को टोटली 42 का प्लस मिलता है। नेक्स्ट मैच मैं कर देता हूँ स्टार्ट, मैप आता है परगेट्री का, जस्ट मेरे 5 किल है एंड 7 अलाइव है। मेरे सामने से एक एनमी रन कर रहा था सेफ जोन के लिए, एंड यहाँ पर मैं भी उसको किल करने के लिए सेफ जोन के आउटसाइड आ जाता हूँ क्योंकि मैंने 159 का शॉट कनेक्ट किया था। यहाँ पर मैं नेट को कुक करता हूँ एंड एनमी बहुत ज्यादा डैमेज था तो M1014 लेके रश कर देता हूँ एंड ट्राई करता हूँ AWM का शॉट कनेक्ट करने का। AWM का शॉट कनेक्ट नहीं होता तो M1014 का सीधा हेडशॉट कनेक्ट करता हूँ एंड एक वॉल लगा के थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ, लेकिन एनमी के पास यहाँ पर ज्यादा लूट नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग सेफ जोन कवर करने का ट्राई करते हैं, एंड सीरियसली भाई पिछले गेम से ना 10x फास्टेस्ट वाला मैं पैनिक हो गया था इस गेम में, क्योंकि भाई सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा था एंड मेरे को नीचे से 195 डिग्री से भी डैमेज आ रहा था एंड ईस्ट की 105 की डिग्री से भी डैमेज आ रहा था, एंड मेरे पास अभी 6 ग्लू वॉल बची थी एंड एनमी भाई कंटिन्यू वहां पर लॉन्चर मार के मेरी वॉल्स को ब्रेक कर रहा था। एक एनमी अभी टावर पे था एंड एक नीचे पानी की साइड पे था, टावर वाला तो बिल्कुल भी भाई पीक नहीं दे रहा था, लेकिन जो नीचे 210 पे जो एनमी है ना वो बहुत ज्यादा पीक दे रहा था। एंड इस सिचुएशन में मैं 155 का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ AWM से एंड दूसरा शॉट भाई विदाउट एम के कनेक्ट कर लेता एंड एनमी को AWM से आता है 155 का डैमेज, एनमी फिर से डाउन हो जाता है। एंड एनमी के पास हॉरिजॉन था लेकिन वो सेल्फ रिवाइव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन था एंड वो पैनिक होकर के सीधा पानी में गिर जाता है। एंड आप लोग को पता है भाई पानी में आप लोग जब भी डाउन होते हो तो पानी में आप लोग डाउन नहीं होते हो, सीधा फिनिश हो जाते हो। अभी करंट सिचुएशन में मेरे किल 7 हो गए थे, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पॉसिबल टास्क था वो है सेफ जोन को कवर करना एंड यहाँ पर सेफ जोन श्रिंक भी होने लगता है। एंड अभी मेरे लिए बैड न्यूज ये थी कि सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा था, एनमी ने मेरे को डाउन कर दिया था तो मेरा सोनिया एक्टिवेट हो जाता है, सोनिया एक्टिवेट हो गया था तो भाई डिमिट्री को भी एक्टिवेट करना था क्योंकि सेल्फ रिवाइव तो होना ही था। अब यहाँ पर मैं सेल्फ रिवाइव होकर अपनी हेल्थ को कर लेता हूँ फुल एंड तभी गेम में आता है एक ट्विस्ट भाई, टावर वाले एनमी का एंड जिस एनमी ने मेरे को डाउन किया था ना उन दोनों का फाइट हो जाता है। एंड यहाँ पर अभी मेरे पास एडवांटेज था कि मेरा फाइट तो अभी होने नहीं वाला था एंड यहाँ पर अब मैं सिर्फ थर्ड पार्टी करने वाला था, लेकिन टावर वाला एनमी बहुत ज्यादा पीक दे रहा था तो मैं सोचता हूँ AWM का एक शॉट कनेक्ट कर लेता हूँ, 8 किल्स हो जाएंगे। लेकिन भाई वो बॉडी शॉट मार मार के ना वो डाउन कर देता है और मेरे पास जो हॉरिजॉन था अब वो भी वेस्ट हो गया था भाई, तो अब तो सेल्फ रिवाइव का कोई चांस नहीं था क्योंकि डिमित्री हमारा सेल्फ रिवाइव के लिए चार्ज नहीं होने वाला था एंड भाई सोनिया को चार्ज होने में 180 सेकंड्स लगते हैं तो सोनिया तो अब इस मैच में चार्ज नहीं होने वाली थी। एंड यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ AWM का एक शॉट कनेक्ट करने का, लेकिन शॉट तो कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेफ जोन श्रिंक होने वाला था सिर्फ 5 सेकंड्स में, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेफ जोन कवर कर लेता हूँ। एंड हाँ यार तुम लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप अंकित भाई की आईडी से रैंक पुश कर रहे थे, अंकित भाई का आईडी रीजन पर है, अंकित भाई ने आपका नाम भी चेंज कर दिया, बायो चेंज कर दिया, तो देखो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। इन माई थिंक कोई रीजन पुश करता है तो अपनी आईडी को बूस्ट करने के लिए, अपने नेम को बूस्ट करने के लिए या फिर अपने
यूट्यूब चैनल को बूस्ट करने के लिए रैंक पुश करता है। एंड सेम थिंग अंकित भाई और मेरे साथ भी थी। एंड मैंने अंकित भाई से रिक्वायरमेंट रखी थी कि भाई 2-3 दिन के लिए अपनी आईडी पर मेरा नेम रख लो, एंड अंकित भाई ने वो रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर दी। एंड अभी मैं अंकित भाई की आईडी से रैंक पुश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को पता है भाई मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया, एपिसोड स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पर, एंड मैंने अंकित भाई की आईडी से रैंक पुश को क्विट कर दिया। तो उनके अकाउंट से अभी कोई और रैंक पुश कर रहा है, तो इसीलिए उस बंदे ने अभी अपना बायो रखा है एंड मेरा बायो अभी इस सिचुएशन में चेंज कर दिया है। एंड अभी सिचुएशन की बात करें तो भाई 7 किल्स हो गए एंड 3 अलाइव है। सामने वाले एनिमी ने बहुत ज्यादा पीक दे दी, उसको लग रहा था भाई 1v1 की फाइट है, उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर मैं भी हूँ। एंड तुम्हारे भाई का AWM का शॉट तो कैसे हेड पे कनेक्ट होता है तुम लोग को भी पता है, एंड बहुत इजिली तुम्हारे भाई ने सिचुएशन कर दिया। 1v1 की 8 किल्स मेरे हो गए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास डिसएडवांटेज है कि AWM का सिर्फ एक बुलेट मेरे पास। एडवांटेज ये है कि तुम्हारा भाई AWM का अज्जू भाई है, AWM से एक शॉट कनेक्ट करने के बाद तुम्हारा भाई कर देता है रश। एक M10 का शॉट कनेक्ट करने पे एनिमी हो जाता है डाउन। मतलब पहले उसका सोनिया एक्टिवेट हुआ था, फिर उसने हॉरिजॉन लगा के हील करने का ट्राई किया, लेकिन तुम्हारे भाई ने M10 की 2 बुलेट्स कनेक्ट करके मैच को कर लिया है विन। एंड सडनली मेरा डेली मिशन भी एक्टिवेट हो गया है, मेरी 3 की बोया स्ट्रीक लगी है एंड मेरे को टोटली प्लस मिला है 69 का। एंड नेक्स्ट गेम मैंने स्टार्ट कर दिया, मैच स्टार्ट हुआ है बरमूडा में एंड अभी सेफ जोन श्रिंक होने वाला है 18 सेकंड में एंड मैं सेफ जोन के आउटसाइड हूं। एंड सिचुएशन की बात करें तो मेरे 4 किल्स है एंड टॉप 3 पर मैंने एंट्री ले लिया है। मेरे पास SVD और ड्रैगन अप है, सॉरी कभी कभी मुंह से निकल जाता है, मेरे पास ड्रैगन अप है, इसका ओल्ड नेम ड्रैगन अप है लेकिन करंटली इसका नेम SVD है। एंड शॉर्ट रेंज के लिए मेरे पास UMP है एंड लॉन्चर में MO है, 0 कॉइन है 2400 एंड यहाँ पर मैं फर्स्ट सेफ जोन की जो फर्स्ट लैंडिंग होती है उसमें मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ। इसी वजह से अभी मेरे पास ना M10 है और ना ही AWM है, क्योंकि मैंने मैच को पूरा होल्ड किया था, मैं कंटिन्यू अपनी स्ट्रीक को इंक्रीज करना चाह रहा था, मैंने बिल्कुल भी लूट यहाँ पर नहीं करी एंड मैंने लड़की को डैमेज दिया, लड़की ने उससे डबल डैमेज मेरे को दे दिया भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सुपर मेडिकेट यूज कर लेते हैं, और भाई कौन बोल रहा था लड़कियों को खेलना नहीं आता है, साला मैंने 93 का डैमेज दिया और उसने भाई मेरी 93 की हेल्थ भी नहीं छोड़ी। तो भाई ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज थी और मेरे पास SVD थी, तो मेरे को SVD यूज करनी भी नहीं आती, और सच बोलूं तो भाई शॉर्ट रेंज के लिए मेरे पास UMP है एंड अभी मैं थोड़ा सा पैनिक हूं, ज्यादा पैनिक नहीं हूं, मैंने पहले UMP यूज किया है लेकिन काफी टाइम से मैं M1014 यूज कर रहा हूं DCM भाई को देख करके, तो UMP मेरे से थोड़ा कम चलती है। एंड यहां पर मेरे पास जितने भी फ्लैश बैंक थे मैंने सारे फ्लैश बैंक फेंक दिए एंड काफी ज्यादा डैमेज भी है लड़की, लेकिन हम लोग यहां पर रश नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग सेफ जोन के इनसाइड है एंड सेफ जोन को श्रिंक होने में सिर्फ 20 सेकंड्स है। मेरे पास 4 ग्रेनेड थे, 2 ग्रेनेड ऑलरेडी मैंने मिस कर दिए एंड लेट्स सी कि भाई तीसरे ग्रेनेड में एनिमी को डैमेज आता है कि नहीं। तीसरा ग्रेनेड, चौथा ग्रेनेड, भाई सारे ग्रेनेड मेरे वेस्ट हो गए एंड एनिमी को एक भी डैमेज नहीं आया। सॉरी चौथा ग्रेनेड तो मैंने फेंका ही नहीं था, लेकिन एनिमी ने यहाँ पर जोन कवर कर लिया है थोड़ा सा जोन को रूटेड करके एंड लो भाई चौथा ग्रेनेड भी वेस्ट हो गया। और भाई तुम लोग सेफ जोन देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा हो गया, जस्ट मेरे अभी 4 किल है एंड सिचुएशन अभी भी टॉप 3 की है। एनिमी ने फ्रेंच के पीछे कवर लिया, एनिमी को मैंने काफी ज्यादा डैमेज किया UMP से, लेकिन तुम लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई UMP यूज करना मेरे को नहीं आता है। एंड इसकी भैंस की टांग भाई, ड्रैगन लेके मेरे ऊपर रश कर दिया, एक हेडशॉट करेक्ट हुआ और उसके बाद तो पूरा बॉडी स्पैम मार दिया मैंने। एंड भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ड्रैगन से मेरे को कोई किल नहीं कर पाया, मतलब मैं ड्रैगन से बच गया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड अभी तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था क्योंकि मेरे को लग रहा था भाई जैसे अभी तक मैं थर्ड पार्टी कर रहा था ना वैसे ये लड़की अभी थर्ड पार्टी करने वाली है, लेकिन पता नहीं क्यों लड़की ने रश नहीं किया एंड मेरे पास लॉन्चर का कुछ एमओ था, तो मैंने लॉन्चर फेंक के लड़की को थोड़ा सा डराया एंड 80-80 के 2 शॉट कनेक्ट भी हो गए थे। उसके बाद मेरे पास जितने भी ये वॉल ब्रेकर थे मैंने वॉल ब्रेकर फेंक दिए एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ लैंडमाइन थी वो मैंने ग्लूवॉल के पास लगा दिए ताकि एनिमी अगर मेरे ऊपर रश करे एंड उस वॉल के पीछे कवर ले तो वो डैमेज हो जाए लैंडमाइन से थोड़ा बहुत। एनिमी को लैंडमाइन से डैमेज बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन यूएमपी का जो 2 बुलेट मैं हेड पे कनेक्ट करता हूँ ना सीधा 121 एंड भाई SVD से ट्राई करता हूँ 1 शॉट कनेक्ट करने का, लेकिन 1 शॉट तो कनेक्ट नहीं होता है। एंड जैसे मैंने सोचा था भाई लैंडमाइन फिर से फूटती है, लेकिन उसके लिए तो तुमको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड टोटली मेरे को प्लस मिलता है 43 का। एंड अभी हम लोग इस वीडियो को करते हैं एंड तब तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस सीरीज के एपिसोड 3 में आपको देखने को मिलेगा कि हम अपनी स्ट्रीक को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं या यहाँ पर अपनी स्ट्रीक को कर देते हैं खत्म, वो देखने को मिलेगा आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।